दोस्तों आज बात करेंगे जेपेग वर्सेस रॉ की। बहुत सारे बिगनर फोटोग्राफर्स ने पूछा है कि सर जेपेग में और रॉ में शूट करने के क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो मैंने सोचा आज इसको थोड़े से सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं ताकि सभी बिगनर फोटोग्राफर भाई लोगों को थोड़ा सा इसका फ़ायदा हो। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सक्सेना। शुरू करते हैं। तो यहाँ दोस्तों जब भी हम अपनी फोटोग्राफी शुरू करते हैं एज अ बिगनर, हमारे सामने कन्फ्यूजन होता है कि रॉ पे शूट करें या जेपेग पे शूट करें। तो पहले मैं बात करूँगा बेनिफिट्स क्या हैं जेपेग पे शूट करने के। तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है दोस्तों जेपेग पे शूट करने का, वो ये है कि यहाँ आपकी जो पिक्चर है वो इन कैमरा ही प्रोसेस हो जाती है और फाइनल इमेज जो है वो आपको कैमरा पे दिखाई देती है। यानी कि जैसे ही आप पिक्चर शूट करते हैं तो जो भी कैमरा सेटिंग्स आपने अपने कैमरा में रखी है, उन कैमरा सेटिंग के आधार पर जो आपका प्रोसेसर है वो आपका इन कैमरा जो प्रोसेसिंग है, आपका कैमरा जो है वो पूरा प्रोसेस कर देता है जो भी आपने सेटिंग्स रखी हैं उसके आधार पे, और आपको एक फाइनल क्लीन पिक्चर आपको दे देता है जो आप पीछे LCD स्क्रीन पर देख पाते हैं। तो बेनिफिट यहाँ पर ये हुआ कि आपको शूट के बाद जो है वो करेक्शन करने का आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधी इमेजेस आपने उठाई और अपने क्लाइंट को दे दी। अब अगर आप इन इमेजेस को प्रोसेस करने जाएंगे रॉ इमेज जेपेग इमेज को रॉ फॉर्मेट वाले सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहाँ पर ये इमेजेस जो हैं वो अच्छे होने की बजाय थोड़ी ख़राबी होती जाती हैं। आप करके देख सकते हैं, अगर आप लाइट रूम के अंदर खोलेंगे किसी भी जेपेग इमेज को तो वो अच्छे होने की बजाय ख़राबी होती है। कारण ये है कि वो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुकी है। सो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि यहाँ पर आपको इन कैमरा प्रोसेस आपकी इमेज हो जाती है। तो जो फोटोग्राफर्स लोगों का थोड़ा सा लाइटिंग पर अच्छा कमांड होता है, फोटोग्राफी में अच्छी नॉलेज होती है और उनको पता है कि किस लाइटिंग कंडीशन में किस तरह से जो है मेरा कैमरा की सेटिंग्स रिएक्ट करने वाली है, और उसके पास टाइम जो है वो बहुत कम होता है, तो वो प्रीफर करता है फिर जेपेग पे शूट करने की ताकि अपने क्लाइंट को जल्दी से जल्दी डिलीवरी दे सके। तो ज़्यादातर आप देखेंगे जो स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हैं, फोटो जर्नलिस्ट हैं, या जिन लोग या जो बहुत ज़्यादा बल्क में ई कॉमर्स का काम करते हैं, अभी शूट किया, अभी अपलोड किया, वो लोग प्रेफर करते हैं जेपेग पे शूट करने के लिए। दूसरा जो बेनिफिट है दोस्तों इसमें, वो बेनिफिट मिलता है यहाँ पर कि आपका जो फाइल साइज है वो होता है बहुत स्मॉल। तो यानी कि जितना फाइल साइज आपका स्मॉल होगा उतना आपने जो भी कार्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उस कार्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस शूट कर पाएंगे, ज़्यादा इमेजेस आपको स्टोरेज मिलती है, उनको मेंटेन करना भी ईजी होता है। अगर आप अपनी हार्ड ड्राइव में, एक्सटर्नल ड्राइव में, या आप अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में उनको सेव करते हैं तो वहाँ पर आपको स्पेस जो है वो काफ़ी मिल जाती है और काफ़ी टाइम तक आपकी जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव चलती है, बिकॉज जेपेग इमेजेस का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज है। तीसरा जो एडवांटेज है दोस्तों वो है इट्स ईजी टू शेयर ऑन सोशल मीडिया एंड विद योर क्लाइंट। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है दोस्तों कि जब आप जेपेग पे शूट करते हो तो अगर आपको इंस्टाग्राम पे पिक्चर डालनी है, फेसबुक पे डालनी है, अपनी वेबसाइट पे अपलोड करनी है, तो यहाँ पर इन कैमरा ही आपकी इमेज प्रोसेस हो गई, आपने फटाक से जो है उसको थोड़ा बहुत रीसाइज किया और सीधा सीधा अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पे, फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। इसके साथ ही अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट को, क्योंकि फाइल का जो साइज़ है वो स्मॉल है, जेपेग पे शूट किया है, प्रोसेसिंग आपकी हो चुकी है, तो आप क्लाइंट को बिल्कुल, अगर मान लीजिए आपका डेटा कुछ 400-500 हज़ार इमेजेस का है, तो आप फटाक से जो है उसको 5 मिनट के अंदर पेन ड्राइव में डाल के अपने क्लाइंट को उसी वक्त दे सकते हैं। बाद में वो जो भी उसको इमेजेस अच्छी लग रही हैं वो सिलेक्ट कर सकता है और जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करने हैं वो कर सकता है। तो यह आपका वर्क फ्लो जो है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है जेपेग पे अगर आप शूट कर रहे हैं। तो ये मेजर एडवांटेजेस हैं जेपेग पे शूट करने के। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की जेपेग में शूट करने के। जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये है कि यहाँ पर आपको जो है लॉस ऑफ डिटेल्स, यानी कि जेपेग में अगर आप शूट कर रहे हैं तो आपकी कैमरा सेटिंग्स की वजह से, और जेपेग पे शूट क्योंकि वो इन कैमरा ही प्रोसेस कर देता है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी कैमरा सेटिंग्स में गड़बड़ी है, ठीक से नहीं है, तो वहाँ पर आपको देखा होगा आपने कई बार जो है पिक्सलेट का प्रॉब्लम आ जाता है, ग्रेन्स दिखाई देने लगते हैं, स्पेशली जब आप क्लोजअप पिक्चर शूट कर रहे हैं तो ये थोड़े से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो डिटेल्स जो है उसकी थोड़ा सा जो है वो लॉस्ट हो जाती है यहाँ पर, बिकॉज जेपेग का एक अपना ही एक उसका लिमिटेड एक उसकी फंक्शनैलिटी है, तो उसके आगे आपको जो है डिटेल्स मिलेंगी नहीं इसके अंदर। और जो दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, डिसएडवांटेज है जेपेग पे शूट करने का, वो ये दोस्तों कि यहाँ पर आपको लोअर डायनेमिक रेंज मिलती है। तो आप देखेंगे कई बार आपकी पिक्चर्स के अंदर ना जो लाइट टोन्स है वो कई जगह पे बहुत ओवर एक्सपोज हो जाते हैं, जैसे कि बादल है स्काई, जहाँ पे स्काई वाली इमेजेस हैं, या बैकग्राउंड के अंदर थोड़ी धूप वूप है तो काफ़ी ओवर एक्सपोज हो जाती है, और कुछ जगह पे सेम इमेज के अंदर जो है आपको थोड़े से डार्क लाइट टोन्स मिलेंगे, और कुछ जगह पे जो है शेडोज थोड़ी सी डार्क हो जाती हैं, कुछ जगह थोड़े से जो है
डार्कनेस ज़्यादा रहती है, स्पॉट्स दिखाई देने लगते हैं, तो ये थोड़े से प्रॉब्लम आती है बिकॉज आपने क्या तो कैमरा सेटिंग्स रखी हैं और उसके आधार पे जो भी है उसका कंप्यूटर अंदर इनबिल्ट वो प्रोसेस करके दे देता है। तो इस वजह से जो है आपको जो डायनेमिक रेंज है उसका एडवांटेज वो उतना नहीं मिल पाता जितना कि आपको रॉ इमेज में मिलता है। तो ये एक छोटा सा डिसएडवांटेज है। और तीसरा डिसएडवांटेज जो मैं कहूँगा यहाँ पर जो सबसे बड़ा होता है जेपेग में, वो है कि यहाँ पे आपको जो कलर्स हैं वो थोड़े कम मिलते हैं, यानी कि लेस कलर्स इन जेपेग फोटोज़। अब उसकी वजह ये होती है कि जब आप जेपेग पे शूट करते हैं तो जनरली आप 8 बिट पे शूट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कलर्स भी जो है आपको लिमिटेड मिलते हैं, रॉ की तरह जो है आपको बहुत एक वाइट कलर गैमेट नहीं मिलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है जेपेग पे शूट करने का। सो एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब आपको ये तय करना है किस सिचुएशन में आपको जेपेग को यूज़ करना है और किस सिचुएशन में आपको रॉ को यूज़ करना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम रॉ फॉर्मेट की। तो रॉ फॉर्मेट बेसिकली क्या होता है, ये एक तरह की अनकंप्रेस्ड फाइल होती है और जैसे आप पिक्चर शूट करते हैं तो जो भी आपका अनकंप्रेस्ड डेटा है, जैसे कि आपका एक्सपोजर है, डायनेमिक रेंज है, ये सब जो है सेंसर के थ्रू आपके कैमरा के अंदर सेव हो जाता है और आप एक अच्छे खासे जो रॉ इमेज को प्रोसेस करने का सॉफ्टवेयर होता है जैसे कि एडोबी फोटोशॉप है या एडोबी लाइट रूम है या फिर आप कैप्चर वन प्रो है, उसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को व्यू कर सकते हैं, उन्हें एडिट भी कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है रॉ फॉर्मेट पर शूट करने का। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों यहाँ पर आपको मिलती हैं हाई क्वालिटी फाइल्स, क्योंकि आपकी हाई डायनेमिक रेंज वो अच्छे से पूरी सेव हो चुकी है और यहाँ पर आपको अगर आप देखेंगे तो आपका एक्सपोजर है, वाइट बैलेंस है, ये आप सब चीज़ जो है आपका रॉ एज अ रॉ डेटा आपका पूरा प्रिजर्व है। तो जब आप इसको खोलते हैं अपने सॉफ्टवेयर में कैप्चर वन प्रो में या लाइट रूम में, तो वहाँ आप इंडिविजुअली जो है चाहे वो वाइट बैलेंस हो, चाहे आपका कलर बैलेंस हो, चाहे आपका स्किन टोन हो, चाहे आपकी जो है शेडोज़ हैं, हाइलाइट्स हैं, आपका सैचुरेशन है, वो आप इंडिविजुअली जो है जाके एकदम कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है आपको। दूसरा जो एडवांटेज है रॉ पे शूट करने का वो है यहाँ पर आपको मिलती है मोर ब्राइटनेस। तो जेपेग के अंदर आप शूट करते हो तो वहाँ पे जो है ब्राइटनेस लेवल 256 के ऊपर नहीं मिलता, लेकिन यहाँ जो ब्राइटनेस लेवल है वो करीब 4096 से लेके करीब 16384 तक जो है ब्राइटनेस लेवल चला जाता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपकी जो इमेजेस हैं उसकी जो टोन है वो कितनी स्मूथ और कितनी सटल नज़र आती है। और यहाँ पर जो है आप ब्राइटनेस चाहे वो बैकग्राउंड की हो चाहे स्काई की हो, वो आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं बिकॉज आपने रॉ पे शूट किया, तो कंप्लीट आपको एक कमांड मिल जाता है अपनी इमेज के अंदर। उसके बाद जो दोस्तों सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है वो मिलता है डायनेमिक रेंज का, यानी कि यहाँ पर जो डायनेमिक रेंज से मेरा मतलब है कि आपकी हाइलाइट्स, आपके शेडोज़, आपके वाइट्स, आपके ब्लैक्स, ये सारे जो है आप इंडिविजुअली जो है आप करेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए किसी अगर इमेज के अंदर कहीं पर डार्क टोन्स आ गए हैं, कहीं पर ओवर एक्सपोजर आ गया है, कहीं पर जो है अंडर एक्सपोज हो गया इमेज, तो आप उस पर्टिकुलर इमेज के अंदर उस पार्ट में जाके आप उसको जो है इंडिविजुअली आप मतलब उस पर्टिकुलर स्पॉट को आप सेलेक्ट करके आप उसे बिल्कुल करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको बेनिफिट ये मिलता है कि अगर आपने शूटिंग करते वक्त काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी हैं तो वो सारी गलतियाँ जो हैं आप पोस्ट के अंदर ठीक कर पाते हैं। तो ये कुछ मेजर एडवांटेजेस हैं। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज एक और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको जो है कलर्स भी जो है वो कंपेयर टू जेपेग आपको यहाँ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि यहाँ आप शूट कर रहे हो 12 बिट पे या फिर 14 बिट के ऊपर, तो यहाँ जो कलर्स हैं वो आपको मिलते हैं ट्रिलियंस में, जबकि जेपेग के अंदर बिल्कुल इतने कलर्स आपको नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इमेजिन करें कि अगर आपको इतने सारे कलर्स मिल रहे हैं तो आपकी इमेज कितनी खूबसूरत लगती है अगर आप उसको रॉ पे शूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एडवांटेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं कि भैया एडवांटेजेस तो हो गए, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वहाँ पर यही है, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज मैं कहूँगा वो यही होता है रॉ पे कि यहाँ आपको टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, यानी कि आपको हर पिक्चर को खोलना पड़ता है, जो भी पिक्चर आपको अपने क्लाइंट को देनी है या जो भी आपने फाइनली मान लीजिए 50 पिक्चर सेलेक्ट किए आपको क्लाइंट को देने के लिए, तो हर उन 50 पिक्चरों को आपको एक एक करके खोलना पड़ेगा, उसके बाद उन इमेजेस को करेक्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा अपने हाथ से, उसके बाद उसको एडिट करना पड़ेगा, फिर आप क्लाइंट को देंगे। सो द प्रोसेस इज़ वेरी वेरी लॉन्ग, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। बट अगर आप क्वालिटी में बिलीव करते हैं और आप एक अच्छी एक बहुत ही प्रोफेशनल क्वालिटी फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो फिर रॉ इमेज फॉर्मेट जो है वो एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन रहेगा दोस्तों। टाइम कंज्यूमिंग है बट परफेक्ट सोल्यूशन है। दूसरा जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो ये मिलता है कि फाइल साइज जो है इसका काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से आपकी जो स्टोरेज है चाहे वो आपकी लैपटॉप की कंप्यूटर की हो या आपकी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो, वो स्टोरेज जो है बहुत जल्दी से भरती है, आपको ज़्यादा स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा खर्चा होता है उनको मेंटेन करने के लिए। और एक डिसएडवांटेज ये भी है कि जब आपकी फाइल साइज़ बड़ी होती है
तो आपको एक अच्छे कंप्यूटर की भी ज़रूरत पड़ती है। अगर आप 2 GB 4 GB के कंप्यूटर रैम वाले यूज़ कर रहे हैं और आपकी फाइल साइज़ है 50 MB या 100 MB की, तो वहाँ पर जो है आपका वर्क फ्लो बहुत स्लो हो जाता है, तो आपको एक अच्छी कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। एक डिसएडवांटेज जो होता है रॉ का, वो ये होता है कि यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, नहीं तो आप वो इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे आपको वो एडोबी का फोटोशॉप खरीदना हो या एडोबी का लाइट रूम या कैप्चर वन प्रो, तो आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में जो है इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट इन्वेस्टमेंट आप रॉ इमेजेस को प्रोसेस नहीं कर पाएंगे इन सॉफ्टवेयर के बगैर। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है दोस्तों, और जेपेक पे अगर आप शूट करते हैं तो अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी चलेगा, जो भी सप्लाइड सॉफ्टवेयर आता है कैनन का, निकॉन के साथ में या सोनी के साथ में, आप उसके ऊपर ही जेपेक इमेजेस खोल के देख सकते हैं, ब्राउज कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, छोटे मोटे नेसेसरी चेंजेस आप कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो है सॉफ्टवेयर के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट आ जाती है दोस्तों। और उसके बाद जो एक डिसएडवांटेज है रॉ पे शूट करने का, वो ये है दोस्तों कि ये फाइल्स आपको जो है क्लाइंट को देनी है, शेयर करनी है, तो ये काफ़ी बड़ी हो जाती हैं फाइल्स, और फिर उसको रिसाइज करना पड़ता है, और फिर जो है थोड़ा सा जो है प्रोसेस जो है वर्क फ्लो आपका थोड़ा सा मैं ये तो नहीं कहूँगा कि टेंशन वाला होता है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है ये थोड़ा डिटेलिंग में काफ़ी चला जाता है। तो यहाँ पर आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है, फिर आपको चाहे अगर आपका एडिटर है तो आपको उसके साथ सेटिंग लेनी पड़ती है कि भाई यहाँ एडिट करनी है इमेज को और प्रोसेस करनी है, तो एज अ फोटोग्राफर आपको खुद बैठ के प्रोसेस करना है, तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है बट परफेक्ट सॉल्यूशन है दोस्तों। तो अब आपको समझ में आया होगा कि भाई रॉ और जेपेक में क्या फ़र्क है। अब जेपेक रॉ फॉर्मेट कौन लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ज़्यादातर जो फैशन फोटोग्राफी का, एडवर्टाइजिंग फोटोग्राफी का, प्रोडक्ट फोटोग्राफी का, कमर्शियल जो काम करते हैं, वो लोग जो है रॉ फॉर्मेट पे शूट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में शूट कर रहे हैं, कंट्रोल पूरे एक वर्क फ्लो के अंदर शूट कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था, ये छोटे से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे। तो उम्मीद है आज आपको पता चला होगा जेपेग और रॉ के बीच में क्या फ़र्क है और क्या आपके लिए ठीक रहेगा। मेरा पर्सनल एडवाइस है कि आप दोनों पे ट्राई कीजिए, क्योंकि आप एक बिगनर हैं, तो आप पहले थोड़ा सा जेपेग पे शूट कीजिए, फिर थोड़ा सा रॉ पे शूट कीजिए, दोनों का आप प्रोसेसिंग करके देखेंगे या दोनों का हैंडलिंग करके देखेंगे, तो जो मैं कह रहा हूँ वो उन बातों को आप आसानी से समझ पाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।